डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रामपोती नेने की आगामी फिल्म सकांडा का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था। अब दोस्तों, फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शक इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सकांडा फिल्म कौन सी है और दोस्तों आपको ये फिल्म कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सकांडा फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सकांडा फिल्म की कहानी कैसी है और दोस्तों ये फिल्म आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों, रामपोती नेने स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें, 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वेग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हिरुन के साथ राम की रोमांटिक नोकझोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता रामपोती नेने ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकांडा फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं भी दोस्तों आपको बता दें, सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें, गद्दर 2, OMG 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 की जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, अभिनेता रामपोती नेने की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों अब रामपोती नेने की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें, ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, सकांडा फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें, सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो रामपोती नेने फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्रीलीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को बोयापति सिरीनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता रामपोती नेने की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। या दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में
और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांडा फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक गोयापत्ति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें राम पोथिनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए है। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने बताया सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध है ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसके वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी के हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेडी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि डगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथिनेनी के साथ पहली मुलाकात थी
और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथिनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथिनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांडा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में। तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में ड्रॉप किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म में जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राम पोथिनेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोथिनेनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोथिनेनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वही भी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा है उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि राम पोथिनेनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों राम पोथिनेनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है, जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है फिल्म की प्रचार गतिविधियां तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ, जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषय के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं बोयापति सिरेनू की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है, जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है, जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है, जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म।
लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति सिरिनु की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है, जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशाता की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है, जो वास्तविक बोयापति सिरिनु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकांडा एक एंड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है, जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी। और दोस्तों बोयापति सिरिनु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा, जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है, जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें मास्क निर्देशक बोयापति सिरिनु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में राम पोती नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। बोयापति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में राम पोथी नेने का मेक ओवर देखने को मिलता है, जो काफी अद्भुत लगता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि बोयापति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आम तौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोती नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी रूप में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK Movie Fact को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथी नैनी स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वेग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोक झोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले
आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दे, लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे, फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथिनेनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं। और कुछ समय पहले सकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं भी दोस्तों आपको बता दें, सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे। और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, ओएमजी 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। और इस मूवी की रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों अब राम पोथिनेनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे, सकांड फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्रीलीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है। और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को बोयापति सिरीनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथिनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। या दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांड फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति सिरीनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्रीलीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई,
और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, राम पोथिनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डॉब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने बताया, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसके वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी की हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेड्डी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथिनेनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथिनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथिनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांड फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में, तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डॉब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी, मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों राम पोथिनेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था।
और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप रामपोथी नैनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों रामपोथी नैनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं पे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि रामपोथी नैनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों रामपोथी नैनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा, सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु तमिल कन्नड मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है फिल्म की प्रचार गतिविधियां तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषयों के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं वेपति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिशन देखने को मिलने वाला है जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा वेपति श्रेणी की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशाता की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है जो वास्तविक वेपति श्रेणी उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्र लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकांडा एक एड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी और दोस्तों वेपति श्रेणी के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दे मास निर्देशक वेपति श्रेणी ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में रामपोथी नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। वेपति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में रामपोथी नैनी का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है और दोस्तों ऐसा लगता है कि वेपति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा
खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीज़ें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोथी नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चित्तूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी रूप में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK Movie Fact को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्र से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथी नैनी स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वेग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोक झोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथी नैनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं भी दोस्तों आपको बता दें सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, OMG 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 की जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथी नैनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथी नैनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथी नैनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्रीलीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले
तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को बोया पत्ती सिरिनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राहुल पोथीनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। यह दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांडा फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापत्ती के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापत्ती सिरिनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथीनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापत्ती रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथीनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथीनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें राम पोथीनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में राम पोथीनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने बताया सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार
रामूजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसकी वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी की हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पित थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर्श्री लीला सरवनी में काम किया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर्श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेड्डी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफ़ी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथिनेनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथिनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथिनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकंडा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में, तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों राम पोथिनेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोथिनेनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोथिनेनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं पे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि राम पोथिनेनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों राम पोथिनेनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है, जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म की प्रचार गतिविधियां तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ, जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषय के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में।
इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं वो पति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है, जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है, जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है, जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति श्रीनु की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है, जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशाता की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है, जो वास्तविक बोयापति श्रीनु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकंडा एक एंड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है, जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी। और दोस्तों बोयापति श्रीनु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा, जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है, जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें मास निर्देशक बोयापति श्रीनु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकंड में राहुल पोती नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। बोयापति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में राम पोथी नेने का मेक ओवर देखने को मिलता है, जो काफी अद्भुत लगता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि बोयापति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोथी नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकंडा फिल्म को बनाया गया है। सकंडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकंडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकंडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकंडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है,
दोस्तों आपको बता दें, साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म शकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। शकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था, दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथेनी ने स्टारर फिल्म शकांड मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हिरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोकझोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों शकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथिनेनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले शकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें शकांड के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, ओएमजी 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथिनेनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें शकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें शकांड फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्रीलीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को बोयापति सिरिनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथिनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको शकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। यह दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों शकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों शकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप शकांड फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति के तहत की गई थी जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है शकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शकांड फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है।
इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति सिरेनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे। और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापो नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें राम पोथिनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है। और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं। और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने बताया सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ। और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध है, ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी के हिंदी रिमेक में काम किया था। उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेडी। और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथिनेनी के साथ पहली मुलाकात थी। और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथिनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथिनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांडा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनो की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में। तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली
व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी, मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राम पोथिनेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोथिनेनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोथिनेनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं पे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा है उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि राम पोथिनेनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों राम पोथिनेनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा, सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है, जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म की प्रचार गतिविधियां तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण प्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ, जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे, कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषय के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं वेपत्ति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है, जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है, जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है, जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति श्रीनु की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है, जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे, फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशाता की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है, जो वास्तविक बोयापति श्रीनु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया, सकांडा एक एंड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है, जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी। और दोस्तों वेपति श्रीनु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा, जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है, जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दे, मास निर्देशक वेपति श्रीनु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में राम पोथिनेनी और श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है।
इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। बोयापति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में राम पोथी नेने का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि बोयापति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोथी नेने की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नेने के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांडा का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांडा का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथी ने स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोकझोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथी नेने ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकांडा फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, OMG 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथी नेने की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथी नेने की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है।
इसी के साथ दोस्तों बता दें, सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे, सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्री लीला, उनके अलावा दोस्तों साइमन जरेकर फिल्म में नजर आने वाली है। और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म को बोया पत्ते सिरिनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथिनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। यह दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें, ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांड फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में, तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति सिरिनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, राम पोथिनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोतिनिनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोतिनिनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोतिनिनी ने बताया सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी उसके हस्बैंड मौजूद थे लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया जिसके वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी के हिंदी रिमेक में काम किया था। उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनरश्री लीला सरवनी में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनरश्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेड्डी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोतिनिनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोतिनिनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोतिनिनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांडा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनो की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी तमिल कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है जिसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राम पोतिनिनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोतिनिनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोतिनिनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वही भी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है
जैसे एक दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि रामपोती नैनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों रामपोती नैनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा, सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म की प्रचार गतिविधियां तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषय के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं व्यापति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिशन देखने को मिलने वाला है जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति श्रीनु की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशाता की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है जो वास्तविक बोयापति श्रीनु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्र लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया है सकांडा एक एंड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी और दोस्तों व्यापति श्रीनु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दे मास निर्देशक व्यापति श्रीनु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में रामपोती नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। व्यापति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इस वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में रामपोती नैनी का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है और दोस्तों ऐसा लगता है कि बोयापति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है रामपोती नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी रामपोती नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है क्योंकि दोस्तों
साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्री लीला। इनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है। तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकांडो फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडो मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथिनी ने स्टारर फिल्म सकांड मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोकझोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथिनेनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, OMG 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 की जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथिनेनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी, इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स एंड म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसकी मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्री लीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को बोयापति सिरिनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथिनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, या दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी
हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांड फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक गोयापति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में, तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांड फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें राम पोथिनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में राम पोथिनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथिनेनी ने बताया सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी की हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेड्डी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टकरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। शिक्षा दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथिनेनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथिनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथिनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांड फिल्म के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है।
फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राम पोतिनेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोथिनेनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोथिनेनी के जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वही भी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे एक दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि राम पोथिनेनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों राम पोथिनेनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है, जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है फिल्म की प्रचार गति बेतिया तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ, जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषयों के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं बोयापति सिरेनू की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है, जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है, जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है, जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिशन देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों विनय विद्यारामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति सिरेनू की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है, जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी।
जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशा की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है जो वास्तविक बोयापति श्रीनु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकंडा एक एड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी। और दोस्तों बोयापति श्रीनु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दे मास निर्देशक बोयापति श्रीनु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकंड में राम पोती नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। बोयापति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में राम पोथी नैनी का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि बोयापति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोथी नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। उनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकंडा फिल्म को बनाया गया है। सकंडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकंडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। इनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकंडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकंडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकंड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकंड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथी नैनी स्टारर फिल्म सकंडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोक झोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकंडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथी नैनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकंड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं पे दोस्तों आपको बता दें सकंडा के अलावा जल्द ही
राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे। और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, ओएमजी 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। और इस मूवी की रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है, जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथी नेने की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था, जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों अब राम पोथी नेने की एक और फिल्म आ रही है, जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकार फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथी नेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्री लीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है। और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को बोयापति सिरीनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथी नेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। या दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांडा फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति सिरीनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथी नेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथी नेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथी नेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें राम पोथी नेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है।
इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे, इस फिल्म में राम पोथी नैनी के साथ सुरीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दे तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथी नैनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथी नैनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथी नैनी ने बताया, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामू जी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसके वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसके वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी के हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेडी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथी नैनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथी नैनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथी नैनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांडा फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में, तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी, मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों राम पोथी नैनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों, अगर आप रामपोती नैनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों रामपोती नैनी की जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये भी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि रामपोती नैनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों रामपोती नैनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा, सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है फिल्म की प्रचार गति बेतिया तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण प्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषय के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं वेपत्ति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिशन देखने को मिलने वाला है जो दोस्तों विनय विद्यारामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा वेपत्ति श्रेणी की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशा की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है जो वास्तविक वेपत्ति श्रेणी उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकांडा एक एड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी और दोस्तों वेपत्ति श्रेणी के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दे मास निर्देशक वेपत्ति श्रेणी ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में रामपोती नैनी और श्रीलीला मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। वेपत्ति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इस वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में रामपोती नैनी का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है और दोस्तों ऐसा लगता है कि वेपत्ति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है। इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है रामपोती नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चित्तूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी।
जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोतिनेनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है, तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लोग सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AK Movie Fact को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथिनी स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोकझोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथिनेनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं और कुछ समय पहले सकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं भी दोस्तों आपको बता दें सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, OMG 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और इस मूवी के रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथिनेनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्रीलीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं सकांडा मूवी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के बाद उसके अलावा दोस्तों कंतरा और RRR जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ सिनेमा एक और बड़ी फिल्म के साथ तैयार हो रही है। दोस्तों आपको बता दें साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म सकांड का सबसे ज्यादा दोस्तों क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सकांड का जब से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों फैंस के लिए रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों अब सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दोस्तों राम पोथिनेनी स्टारर फिल्म सकांडा मूवी की हिंदी ट्रेलर 27 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ और दोस्तों बता दें 2 मिनट के इस ट्रेलर में आपको बता दें भरपूर एक्शन देखने को मिला था और दोस्तों इसने फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था।
दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों काफी दमदार इस मूवी की कहानी लगती है। ट्रेलर की शुरुआत दोस्तों राम के स्वैग और दोस्तों दबंग डायलॉग से होती है, फिर दोस्तों हीरोइन के साथ राम की रोमांटिक नोक झोंक भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों सकांडा के ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन के साथ दोस्तों आपको बता दें होश उड़ाने वाले आपको लाइक डायलॉग्स भी देखने को मिले हैं, और इसी के साथ दोस्तों साउथ की इस एक्शन फिल्म में दमदार डायलॉग्स भी आपको देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें लड़ाई के अलावा मूवी में फैमिली लॉ को भी दिखाया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के ट्रेलर में आखिरी में हमें दिखाया गया है अभिनेता राम पोथिनेनी ने अपने अलग अवतार में दिखाई दिए हैं, और कुछ समय पहले सकांड फिल्म का टीजर भी आया था जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं भी दोस्तों आपको बता दें सकांडा के अलावा जल्द ही राम अपनी आगामी फिल्म आई स्मार्ट के सीक्वल डबल आई स्मार्ट में नजर आएंगे, और दोस्तों इस फिल्म में बता दें संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। दोस्तों बता दें गद्दर 2, ओएमजी 2, जेलर और इसके अलावा दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 के जबरदस्त हिट के बाद अब दोस्तों इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, और इस मूवी की रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान भी रिलीज हुई है जिसे दोस्तों दर्शक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है शाहरुख खान की फिल्म को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म द वॉरियर पिछले साल रिलीज हुआ था जो कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों अब राम पोथिनेनी की एक और फिल्म आ रही है जो कि दोस्तों पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होने वाली है, और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म आपको तेलुगु भाषा के अलावा हिंदी भाषा में भी आपको ये मूवी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें सकांड फिल्म का ट्रेलर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया था कुछ समय पहले, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिला था। दोस्तों फिल्म में दमदार देखने को मिली थी कहानी। इसी के साथ दोस्तों आपको एक्शन से भरपूर ट्रेलर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप हिंदी भाषा में इस ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो दोस्तों टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर भी जाके इस ट्रेलर को देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दें सकांडा फिल्म 2023 की रोमांटिक एडवेंचर फिल्म होने वाली है। इसके मुख्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो राम पोथिनेनी फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो श्री लीला, उनके अलावा दोस्तों साई मंजरेकर फिल्म में नजर आने वाली है, और दोस्तों अन्य कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में और भी कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को बोयापति सिरेनो द्वारा निर्देशित किया गया है। दोस्तों इससे पहले ब्लॉकबस्टर अखंड फिल्म भी ये बना चुके हैं यहाँ फैंस, जिसे आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा। दोस्तों अभिनेता राम पोथिनेनी की कई सारी अपकमिंग फिल्म आने वाली है जो कि दोस्तों डायरेक्टर हिंदी भाषा में रिलीज करेंगे, जिसमें दोस्तों अभी तो हाल ही में आपको सकांडा देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें डबल ई स्मार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, या दोस्तों आपको डबल ई स्मार्ट फिल्म भी जल्द ही रिलीज होगी। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट ई स्मार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों उसे आप हिंदी में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म को तेलुगु में और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें दोस्तों तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सकांडा फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों सभी को पता था कि ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगा, लेकिन दोस्तों रिलीज में बड़ा बदलाव किया गया और दोस्तों अब ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को आप सभी नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द अब रिलीज होगी। और दोस्तों आपको बता दें ये मूवी हो सकता है कल रिलीज हो जाए, क्योंकि दोस्तों आज 27 सितंबर है और ये फिल्म कल रिलीज हो सकती है। तो अगर आप सकांड फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म दोस्तों कल से आपको देखने को हर एक सिनेमाघरों में मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करें फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति के तहत की गई थी, जबकि दोस्तों आधिकारिक शीर्षक जो है सकांड की घोषणा जुलाई 2023 में मूवीज की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी के बारे में तो दोस्तों बता दें मूवी की फोटोग्राफी 2022 में शुरू हुई थी और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो सकांडा फिल्म का संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया है, जबकि दोस्तों छायांकन और संपादन क्रमश संतोष डेटेक द्वारा तैयार किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये फिल्म 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जो दोस्तों बताया गया था कि बोयापति सिरेनो द्वारा निर्देशित की जाएगी इस फिल्म को। और दोस्तों इसी के साथ बताया गया था कि इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिकाओं में होंगे, और दोस्तों इसे स्थायी तौर पर बोयापति रापू नाम दिया गया था। और दोस्तों जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर 2022 को श्री लीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी।
इसके साथ दोस्तों 3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई, जिसमें दोस्तों सकांड शीर्षक का पता चला था सभी को। मुख्य फोटोग्राफी फिल्म की 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई और दोस्तों दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें दोस्तों एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था और तीसरा शेड्यूल इस फिल्म का जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसमें दोस्तों शेड्यूल में पोथीनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य देखने को मिला था सभी को। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, राम पोथीनेनी अपनी एक्शन फिल्म आगामी फिल्म सकांड को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में अभी छाए हुए हैं। दोस्तों अभिनेता की फिल्म सकांड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में राम पोथीनेनी के साथ श्रीलीला भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों भले ही राम मुख्य रूप से आपको बता दें तेलुगु फिल्मों में दिखाई देते होंगे, लेकिन दोस्तों अन्य भाषाओं में भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अन्य भाषाओं में डब की गई उनकी फिल्मों ने सभी भाषाओं में उनके प्रशंसक जो है बनाए रखे हैं। अब दोस्तों हाल ही में राम ने बताया कि जब वो पहली बार शाहरुख खान और सलमान से मिले थे तो उनका दोस्तों अनुभव कैसा था, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू में सलमान खान और दोस्तों शाहरुख खान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा था कि वह जवान फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी दोनों के करीब है और दोस्तों उन्होंने उन्हें शाहरुख खान से मिलवाया था। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने आगे बताया था कि शाहरुख खान बहुत प्यारे हैं और दोस्तों उन्होंने शाहरुख खान से उनकी फिल्मों के बारे में भी पूछा और राम ने कहा कि शाहरुख खान के मुलाकात ने उन्हें दोस्तों काफी प्रभावित किया था। इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने सलमान खान से मुलाकात के बारे में बात की और दोस्तों कहा, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कई सारे आपको स्टारडम देखने को मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों राम पोथीनेनी ने बताया, सलमान खान सर पहले हिंदी हीरो है जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ और दोस्तों कहा कि एक शर्मिला व्यक्ति थे, उन्होंने ये भी बताया। इसी के साथ दोस्तों जेनेलिया और रितेश देशमुख के साथ मेरे अच्छे संबंध ने ये भी बताया है। और इसके बाद दोस्तों हम एक बार रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे, इसकी वजह से दोस्तों रितेश देशमुख ने कहा कि भाई आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जेनेलिया ने कहा कि मैं आ रही हूँ, लेकिन दोस्तों वहाँ पे रितेश यानी कि उसके हस्बैंड मौजूद थे, लेकिन रितेश नहीं माने और दोस्तों उन्होंने मुझे रोक दिया बताया, जिसकी वजह से दोस्तों सलमान सर ने रेड्डी के हिंदी रिमेक में काम किया था, उन्होंने दोस्तों मुझे पहचान लिया और कहा कि मैंने रेड्डी में अच्छा काम किया है और उनका पीठ थपथपाया था सलमान सर ने। इसके बाद दोस्तों राम ने आगे कहा कि मैंने अपने बैनर श्री लीला सरवनी में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैनर श्री सरवनी थी मूवीज में जो पहली फिल्म की है वह है रेड्डी और दोस्तों मुझे खुशी है कि सलमान सर ने इसे दोबारा बनाया। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा कि अब अभिनेता की इंडस्ट्री में काफी यानी कि टगरी फैन फॉलोइंग होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, सलमान खान का ये मुलाकात राम पोथीनेनी के साथ पहली मुलाकात थी और दोस्तों इस मुलाकात के बाद राम पोथीनेनी ने उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोस्तों ये मुलाकात थी राम पोथीनेनी की पहली बार सलमान खान से। इसके बाद दोस्तों दोबारा से वापस से हम बात कर ले सकांड फिल्म के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 167 मिनट का होने वाला है, यानी कि दोस्तों 2 घंटे और 47 मिनट की होने वाली है। फिल्म के निर्देशक बोयापति सिरेनू की पिछली फिल्म के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इनकी पिछली फिल्म अखंडा ने एक समान रन टाइम साझा किया, जिससे दोस्तों ये स्पष्ट हो गया था कि यदि सामूहिक अपील और एक्शन तत्व गूंजते हैं तो दोस्तों फिल्म की लंबाई दर्शकों को विचलित करने की संभावना रखती है। दोस्तों अब बात करें फिल्म के रिलीज तारीख के बारे में, तो दोस्तों रिलीज की तारीख शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। यह दोस्तों शुरुआत में 20 अक्टूबर 2023 को रखा गया था, लेकिन इसके बाद सकांडा फिल्म को आगे बढ़ाया दिया गया और यह बताया गया था कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को स्क्रीन पर रिलीज होगी। और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ तेलुगु में भी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले दोस्तों, फिल्म की कहानी भास्कर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी फिल्म में, जो दोस्तों एक लचीला कॉलेज छात्रा है जो अपने परिवार की शिकायतों का बदला लेने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ संघर्ष में उलझ जाता है। इसी के साथ दोस्तों रिव्यूअर्स ने बताया है कि सकांडा की समीक्षाएं अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई हुई है। जैसे ही दोस्तों तेलुगु एक्शन फिल्म की कोई भी यानी कि खबर आएगी, मैं सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हो और सकांडा फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी टॉप में देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, सकांडा फिल्म 2023 की एक बहुत ही एक्शन हाई ऑक्टेन वाली फिल्म होने वाली है। इसमें दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन सीन देखने को मिलेंगे।
साथ ही साथ दोस्तों राम पोथी नेनी का फिल्म में आपको एक्शन अवतार भी अलग किस्म का देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था, इसे देखने के बाद दर्शकों में इस फिल्म को देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों इस क्रेज को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज करने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी और दोस्तों इसके दिन को घटाकर अब 28 सितंबर को यानी कि कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है बड़े बड़े सिनेमाघरों में। और दोस्तों ये फिल्म पैन इंडिया मूवी है, इसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म में कई सारे अलग अलग भाषाओं में ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप राम पोथी नेनी के फैन हो और उनकी फिल्मों को आप शुरुआत से देखना पसंद करते हो, अगर आपने इनकी पिछली फिल्मों को देखा हुआ है तो दोस्तों राम पोथी नेनी की जबरदस्त एक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। दोस्तों वहीं पे फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म की पूरी कहानी अभी किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ दोस्तों जिसने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा है उसको थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में अंदाजा है। जैसे कि दोस्तों हमें फिल्म की कहानी में ये पता चलता है कि राम पोथी नेनी एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर से उलझ जाते हैं और वो अपने परिवार के बदला कैसे लेते हैं, यही सारी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों राम पोथी नेनी की 2023 में रिलीज होने वाली मस्ट अवेटेड मूवी है, इससे आप लोग जरूर देखिएगा। ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है सभी सिनेमाघरों में। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के बारे में बताते हुए मैं कहूंगा, सकांडा एक संपूर्ण पैकेज होने का वादा करता है जिसमें दोस्तों आपको सामूहिक मनोरंजन के साथ साथ मार्मिक पारिवारिक भावनाओं का मिश्रण आपको फिल्म में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों बता दें विनायक छवि से ठीक पहले दोस्तों 15 सितंबर को तेलुगु तमिल कन्नड मलयालम और हिंदी भाषाओं में फिल्म की आखिरी भारतीय रिलीज ने उत्साह बढ़ा दिया है। जैसे जैसे दोस्तों रिलीज की तारीख करीब आ रही है फिल्म की प्रचार गति बेतिया तेज हो रही है। इसका दोस्तों समापन एक आकर्षण फ्री रिलीज कार्यक्रम में हुआ जिसने दोस्तों बहुप्रतीक्षित ट्रेलर का अनावरण किया गया था उस जगह पर। इसी के साथ दोस्तों आगे बता दे कार्तिकेय की फिल्म दोस्तों सर्वनाशी विषयों के साथ मनोरंजन का अनोखा मिश्रण आपको देखने को मिलने वाली फिल्म में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के विस्फोटक दृश्य और भावनाएं वेपति श्रेणी की उत्कृष्ट कहानी कहने की दोस्तों झलक का प्रदान करती है जो अपने जीवन से भी बड़ी अपील के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें फिल्म की कहानी उजागर हुआ कि एक दिलचस्प पहलू हमें देखने को मिला। उस्ताद राम की फिल्म दोस्तों तेलंगाना बोली है जो स्मार्ट शंकर में दोस्तों उनके चरित्र की याद दिलाएगी और ये फिल्म स्पष्ट उनके दोस्तों चित्रण में प्रणालिकता को जोड़ता है जो उनके जीवन में तेलंगाना उच्चरण की प्रकृति हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म के ट्रेलर में भावनाओं और एक्शन का भी एक दिलचस्प मिशन देखने को मिलने वाला है जो दोस्तों विनय विद्या रामा जैसे पारिवारिक संचालित जो है चश्मे के सार को याद दिलाएगा ये फिल्म। लेकिन दोस्तों हिंसा और इसके अलावा बोयापति श्रेणु की निर्देशन शैली की एक पहचान भी हमें मिलने वाली है जो कि दोस्तों नवीन हथियार और इसके अलावा कोरियोग्राफी के साथ ध्यान आकर्षित करते हुए विशिष्ट रूप से आपको बता दे फिल्म से कल्पना की गई है कि इसमें कहानी अच्छी होगी। जैसे जैसे दोस्तों फिल्म का ट्रेलर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्याशा की एक और स्पष्ट भावना पैदा होती है जो वास्तविक बोयापति श्रेणु उनके अलावा दोस्तों फैशन में तीव्रता लाते हैं और शानदार एक्शन दृश्यों की ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों संक्षेप में बताया गया सकांडा एक एंड्रेनालाइन पंपिंग जो सिनेमा अनुभव देने वाली मूवी है जो अपने दमदार कलाकारों और इसके अलावा विचारोत्तेजक कहानी कहेगी। और दोस्तों वेपति श्रेणु के सिग्नेचर हमें देखने को मिलेगा जो टच के साथ ये फिल्म दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है, जो दोस्तों सिल्वर स्क्रीन पे भावनाओं और एक्शन के एक रोमांचक उत्सव हमें देखने को मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें मास निर्देशक वेपति श्रेणु ने अपनी पिछली फिल्म रिलीज अखंडा के साथ दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर दी और दोस्तों उनकी अगली रिलीज मूवी सकांड में राम पोथी नेनी और श्रीलीला मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अब इस फिल्म को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिला। निर्माता ने अब इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में बताया है कि ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ समय पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था। वेपति के शानदार एक्शन दृश्यों और दोस्तों शक्तिशाली संवादों से भरा हुआ ये फिल्म और दोस्तों राम सामूहिक जो है अवतार में शानदार लग रहे हैं और दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलंगाना अपशब्द बोले हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के अंत में राम पोथी नेनी का मेक ओवर देखने को मिलता है जो काफी अद्भुत लगता है। और दोस्तों ऐसा लगता है कि वेपति ने वही किया है जिसमें दोस्तों वह आमतौर पर अच्छे दिखते हैं। साथ ही दोस्तों फिल्म के ट्रेलर से इशारा मिलता है कि
फिल्म में दोस्तों अच्छे पारिवारिक इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके अलावा फिल्म का उत्पादन मूल्य ठीक ठाक है, इसके वजह से दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म में बड़े पैमाने पर दोस्तों तत्व हमें देखने को मिलने वाली है सभी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है राम पोथी नैनी की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाली है। इनके अलावा दोस्तों श्रीनिवास चितूरी, उनके बाद दोस्तों कई सारे अभिनेता और कई सारे अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जैसे कि दोस्तों श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन बैनर के तहत बड़े बजट पर सकांडा फिल्म को बनाया गया है। सकांडा फिल्म का निर्माण किया गया है और दोस्तों इसे जी स्टूडियो साउथ और इसके अलावा दोस्तों पवन कुमार द्वारा इस फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। सकांडा फिल्म में दोस्तों आपको धमाकेदार एक्शन और दोस्तों धमाकेदार कहानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में श्रीलीला आपको देखने को मिलेंगी राम पोथी नैनी के साथ में, तो दोस्तों एक अलग ही क्रेज पैदा करने वाला है, क्योंकि दोस्तों साउथ की ब्यूटीफुल और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती है श्रीलीला। उनके अलावा दोस्तों फिल्म में साई मंजरेकर भी नजर आने वाली है। तो दोस्तों दो दो हीरोइन इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है और राम पोथी नैनी का इसमें डुअल किरदार भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग लुक में ये फिल्म में नजर आ रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में इनका सीन कुछ और ही है, लेकिन फिल्म के एंड में दोस्तों इनका सीन कुछ और हो जाता है, यानी कि इनके लुक में बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों जो भी राम पोथी नैनी के फैंस है वो इस फिल्म को कल से इस मूवीज को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कल ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ट्विल एंड सी यू सून।